नमस्कारम स्वागतम अभिनंदन दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ होशंगाबाद रोड की लोकेशन पे कवर्ड कैंपस में 1405 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया पे 2100 स्क्वायर फीट बना हुआ 4 BHK डुप्लेक्स दिखाने। और हम इस वक्त खड़े हुए हैं कैंपस की 30 फीट चौड़ी रोड पे। दोनों तरफ अशोक के पेड़ लगे हैं जो इस रोड को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत मैंने डुप्लेक्स के बैक साइड से की है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये 3-साइडेड ओपन डुप्लेक्स आपको मिल रहा है जो बहुत कम मिलता है। रोड में आपको दिखाऊं तो कंक्रीट बनी हुई है, अच्छी मेंटेन्ड है। और अब हम फ्रंट में चलते हैं डुप्लेक्स के। इसी बात पे यहाँ आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं इस वीडियो के माध्यम से तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो ये हमारे फ्रंट की रो है, यहाँ 25 फीट चौड़ी रोड मिल रही है आपको। और ये हमारे कॉर्नर का डुप्लेक्स है, देखिए एलिवेशन वगैरह मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। तो बेसिकली समझा जाए तो कॉर्नर के डुप्लेक्स भी हमें 2 साइड ओपन मिलते हैं, परंतु ये हमें 3 साइड ओपन मिल रहा है वेस्ट, ईस्ट और साउथ से। ये एक बार फिर से आपको फ्रंट का एलिवेशन दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है डुप्लेक्स। और अब अंदर चलते हैं और डुप्लेक्स के टूर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, डुप्लेक्स का प्लॉट एरिया है 1405 स्क्वायर फीट और इसके डायमेंशन आएंगे करीब 26x54, यानी 26 फीट की चौड़ाई हो जाएगी। आप फ्रंट में देखिए कितनी अच्छी स्पेस मिल रही है अपने को और गहराई इसकी आएगी 54 फीट। पार्किंग की अच्छी सफिशियंट स्पेस मिलती है आपको, 4-व्हीलर 2-व्हीलर आराम से खड़ी हो सकती हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे सामने तो आपको 4 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी डुप्लेक्स को थोड़ा हाइट पे बनाया गया है, प्लिंथ लेवल अच्छा है इसका। और अंदर एंटर करती आप देख रहे हैं बहुत ही स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ मैं आपको बता दूं क्योंकि डुप्लेक्स हमारा 3 साइड से ओपन है तो पूरे डुप्लेक्स में आपको अच्छा वेंटिलेशन और बहुत अच्छी सनलाइट मिलेगी चारों तरफ से। मैं आपको ड्राइंग और डाइनिंग एरिया का स्पेस दिखा देता हूँ, पीछे जाके एक बार पूरा फ्लोर स्पेस दिखा देता हूँ जिससे कि आपको एरिया का अच्छे से आइडिया हो जाए। और इसमें एक अच्छी बात और ये है कि डाइनिंग के ऊपर का स्पेस ये देखिए आप, ये ओपन दिया है डबल हाइटेड, तो इसके कारण भी आपको अच्छी सी सनलाइट दिखने को मिल रही है डुप्लेक्स में। अब हम देख रहे हैं ड्राइंग डाइनिंग के लेफ्ट हैंड साइड का एरिया और पहले डुप्लेक्स के फ्रंट पोर्शन को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के कॉमन लेट बाथ स्पेस में। दोस्तों, ये रीसेल की प्रॉपर्टी है और करीब 10 साल पुरानी है तो थोड़ा बहुत काम आपको इसमें कराना पड़ेगा, बाकी डुप्लेक्स पूरी तरीके से मेंटेन्ड है। और प्रॉपर्टी वीडियो में देख के ही मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगी। यदि आप विजिट करने में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम जो कि फ्रंट में आ रहा है, तो यहां से भी मैं आपको विंडो से बाहर का व्यू दिखा देता हूं, यदि आपके घर में कोई भी आता है तो आपको यहीं से पता लग जाएगा अपने बेडरूम से। दोस्तों, इस डुप्लेक्स के साथ यूएसपी बहुत सारी हैं, जैसा कि मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो 3-साइडेड ओपन डुप्लेक्स मिल रहा है आपको, ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम देखा जिसकी फ्रंट में विंडो ओपन हो रही है, ये हमारा डाइनिंग का स्पेस है जो डबल हाइटेड है, इसके कारण यहाँ वेंटिलेशन अच्छा है। अब चलेंगे ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम पे। जी हाँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आपके 2 बेडरूम आ रहे हैं और आप देखिए इसमें भी कितनी अच्छी सनलाइट है। कारण सिंपल सा ये है कि पीछे विंडो है जो ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये मैं आपको यहाँ से आपका वॉशिंग स्पेस दिखा देता हूँ, किचन में जाके आपको प्रॉपरली इसका एरिया दिखाऊंगा। अभी दिखा देता हूँ बेडरूम से अटैच हमारा बाथरूम। बाथरूम का स्पेस आपको थोड़ा सा छोटा लग सकता है, परंतु देखने लायक बात यह है कि बेडरूम के साथ अटैच भी मिल रहा है और कॉमन भी मिल रहा है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम और 2 बाथरूम हो गए आपके। तो यहाँ मैं आपको फ्लोर टू रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ पूरा, जिससे कि एरिया आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ से हम चलेंगे अपने किचन की तरफ। वैसे प्लॉट एरिया के हिसाब से लेआउट ऐसा डिजाइन किया है कि ये डुप्लेक्स कम विला ज्यादा लग रहा है। और अब हम आ गए अपने किचन में, तो ये किचन का हमारा एंट्रेंस हो जाएगा और किचन का स्पेस भी आपको बहुत अच्छा स्पेशियस मिलने वाला है चारों तरफ से स्लो एंगल में। अच्छे से आप देखिएगा किचन अपना, मॉडुलर किचन वगैरह सब बना हुआ है। ये फ्रंट की वॉल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर इसमें स्लैब निकला हुआ है जो आजकल नए न्यू कंस्ट्रक्शन डुप्लेक्सेस में नहीं देते हैं। एग्जॉस्ट के लिए जगह है, विंडो अच्छी बड़ी है, चिमनी वगैरह लगी हुई है, कैबिनेट्स और शेल्फ सब बने हुए हैं। पीछे वॉश एरिया है हमारा, वॉश एरिया का स्पेस देख लेते हैं। ये भी हमारा ईस्ट डायरेक्शन में आता है और यहाँ से हमारा ओपन स्पेस है पीछे। वीडियो की शुरुआत मैंने यहीं से की थी, आपको अशोक के पेड़ दिख रहे हैं पीछे, 30 फीट चौड़ी रोड है। वॉश एरिया का पूरा स्पेस दिखा देता हूँ, अच्छा चौड़ा वॉश एरिया का स्पेस है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से जाली ऑलरेडी ओनर ने इसमें लगा रखी है। हालांकि कवर्ड कैंपस में लोग मकान इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि फैमिली सेफ रहती है और सिक्योर रहती है। इनफैक्ट आप पीछे वॉश एरिया से एक गेट निकाल सकते हैं जिससे कि आपके घर में यदि बाई आती है तो पीछे से ही आए, अपना काम करें और वहीं से निकल जाए वापस। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर हो गया है। अब हम स्टेयर्स के पोर्शन से चलेंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पे और फिर से मैं आपको बता देता हूँ स्टेयर्स पोर्शन पे भी अच्छी सनलाइट इसलिए आ रही है क्योंकि 3-साइडेड ओपन डुप्लेक्स है, ऊपर विंडो देख रहे हैं आप, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, प्रॉपर नेचुरल सनलाइट है पूरे मकान में। और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज है इस डुप्लेक्स के बारे में।
तो दोस्तों हम आ गए हैं डुप्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पे, और पहले मैं आपको कॉमन स्पेस यानी जो फैमिली सिटिंग स्पेस होती है वो दिखा देता हूँ। ये आपकी आ जाएगी डाइनिंग एरिया के ऊपर की स्पेस, जो डबल हाइटेड स्पेस मैंने आपको दिखाई थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रॉपर्टी अब तक आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपके परिचित में कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है तो उनके साथ हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। हम आ गए हैं डुप्लेक्स के थर्ड बेडरूम में, अटैच लेट बाथ के साथ है। बाथरूम अच्छा नीट एंड क्लीन है और एग्जॉस्ट की स्पेस इसमें भी दी हुई है। रीसेल की प्रॉपर्टी में जनरली बाथरूम में और किचन में ही बस काम अपने को कराना रहता है। सेंटर एंगल से मैं आपको ग्राउंड टू फ्लोर का, फ्लोर टू रूफ का पूरा स्पेस दिखा देता हूँ बेडरूम का। अच्छे बड़े स्टैंडर्ड साइज के बेडरूम दिए हैं और यहाँ पे भी बहुत अच्छा वेंटिलेशन आ रहा है आपका, वो भी दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। पीछे ईस्ट डायरेक्शन है, सुबह की धूप आपके बेडरूम में आएगी। नीचे हमारा वॉश एरिया दिख रहा है। अब हम चलते हैं इसी बेडरूम के साइड में हमारी बालकनी स्पेस देखने। आशिमा मॉल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये कवर्ड कैंपस की प्रॉपर्टी यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरा नंबर इस वक्त आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसी के साथ आ गए हैं हम अपने बैक साइड की बालकनी में, जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन में ओपन होती है। और ऊपर छत पे जाने के लिए यहाँ से आप स्टेयर्स भी बनवा सकते हैं, अभी ओनर ने फिलहाल फैब्रिकेटेड स्टेयर ही दिए हैं। पीछे आपको अशोक के पेड़ दिख रहे हैं जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाए थे। तो दोस्तों 1400 के प्लॉट एरिया पे ये 4 BHK ट्री साइडेड ओपन डुप्लेक्स आपको मिल रहा है मात्र 1.25 करोड़ में। और डुप्लेक्स में बहुत सारी USPs हैं, जैसा मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे भी आप देखेंगे वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, आगे पीछे दोनों तरफ आपको बालकनी मिल रही है, बीच में भी आपको लॉबी स्पेस मिल रही है। ये भी करीब 10x12 की पूरी स्पेस है और यहाँ पर आप इजिली अपना फैमिली लॉन्ज एरिया बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा भी लगेगा सेंटर में एकदम। और ये हमारा आ जाएगा डुप्लेक्स का फोर्थ बेडरूम, ये भी अटैच लेट बाथ के साथ है और इसकी विंडो भी फ्रंट में आ रही है, जैसे कि हमारे ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की आ रही थी। पहले मैं आपको बाथरूम का स्पेस दिखा देता हूँ। बाथरूम भी वैसे रीसेल प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे मेंटेन्ड है और एकदम नीट एंड क्लीन है। वार्डरोब्स लगभग हर बेडरूम में बने हुए हैं, मॉडुलर किचन बना हुआ है, ज्यादा काम कराने की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एंगल से एक बार फिर से आपको आपके बेडरूम का फ्लोर स्पेस दिखा देता हूँ। आशिमा मॉल से लगभग 3 किलोमीटर, MP नगर से करीब 9-10 किलोमीटर, बावड़िया कला से भी 3 या 4 किलोमीटर ही पड़ेगा ये। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको नंबर इस वक्त मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है। ये आपका फैमिली लॉन्ज एरिया है, ये इस एंगल से ज्यादा बेटर समझ में आया। और आप फ्रंट की बालकनी देख लेते हैं। डुप्लेक्स 3 साइड ओपन है, चारों तरफ से खुला हुआ है, विंडोज वगैरह दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे आगे और पीछे दोनों तरफ बालकनी आ रही है। फ्रंट हमारा वेस्ट फेसिंग है तो वेस्ट से धूप रहेगी पूरे दिन भर, यानी धूप की इस पूरे डुप्लेक्स में कोई समस्या नहीं होनी। आगे आपको साइड में दिख रहा है गार्डन। कवर्ड कैंपस का डुप्लेक्स 1400 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया पे बना हुआ मात्र 1.25 करोड़ में मिल रहा है। इसी प्रकार की प्रॉपर्टी के लिए देखते रहिए वास्तु विकल्प रियल्टर्स। धन्यवाद।